हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। मैं विनोद कुमार 10th बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज के तहत सभी सब्जेक्ट्स के VVI ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ। इससे मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाने वाला है। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। आज केमिस्ट्री के VVI ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं जो कि 3 से 4 पार्ट में है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है CaHCO3 का होल 2, ऑप्शन बी CaOH का होल 2, ऑप्शन सी NaOH का होल 2, ऑप्शन डी NaHCO3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CaOH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा चुना है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH का होल 2, ऑप्शन सी CaCO3 का, ऑप्शन डी CA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CaOH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन में उपस्थित परिक्रमात्मक समूह है। ऑप्शन ए OH, ऑप्शन बी C2H, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी C2OOH। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनॉन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी अवघट, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन ए डोवे राइनर, ऑप्शन बी न्यूलैंडस, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी हेनरी मोल्जले। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूलैंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, ऑप्शन बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ऑप्शन सी परमाणु साइज का आवर्त फलन, ऑप्शन डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। ऑप्शन ए H प्लस, ऑप्शन बी OH माइनस, ऑप्शन सी Cl माइनस, ऑप्शन डी O2 माइनस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी OH माइनस।
नेक्स्ट प्रश्न है, जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर अभिक्रिया जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टमाटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए एमजी, ऑप्शन बी सीए, ऑप्शन सी एनए, ऑप्शन डी के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3:1। नेक्स्ट प्रश्न है, सी ओ एच का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें ऑप्शन ए 7 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी 8 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन सी 9 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन डी 10 सहसंयोजक आबंध है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10 सहसंयोजक आबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्र के जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, निम्नलिखित में कौन सा रंग मिलेगा? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीला। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी चमकीला उजला, ऑप्शन डी लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चमकीला उजला। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस प्रणाली में विलयन था? ऑप्शन ए जेड एन एस ओ फोर, ऑप्शन बी सी यू एस ओ फोर, ऑप्शन सी एफ ई एस ओ फोर, ऑप्शन डी ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी यू एस ओ फोर का सी यू एस ओ फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उष्माशोषी, ऑप्शन डी संयोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उष्माक्षेपी। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनोड पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है? ऑप्शन ए माइनस ओ एच, ऑप्शन बी सी ओ, ऑप्शन
सी सी ओ एच, ऑप्शन डी सी डबल ओ एच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सी ओ एच। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र है ऑप्शन ए सी एन एच टू एन, ऑप्शन बी सी एन एच टू एन प्लस टू, ऑप्शन सी सी एन एच टू एन माइनस टू, ऑप्शन डी सी एन एच एन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सी एन एच टू एन माइनस टू। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिको मीटर बराबर होता है ऑप्शन ए 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, ऑप्शन बी 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 पर पावर 12 मीटर, ऑप्शन सी 10 पर पावर माइनस 6 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है ऑप्शन ए एम जी सी ओ थ्री, ऑप्शन बी सी ए ओ, ऑप्शन सी सी ए सी ओ थ्री, ऑप्शन डी सी ए एच सी ओ थ्री का होल टू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सी ए सी ओ थ्री। नेक्स्ट प्रश्न है, सी डबल ओ एच अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी ईथर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, पारे का अयस्क है ऑप्शन ए बॉक्साइड, ऑप्शन बी हेमाटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी सिनेवार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिनेवार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी अपरूप, ऑप्शन सी समावयवी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समावयवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है ऑप्शन ए एच टू एस ओ फोर, ऑप्शन बी एच सी एल, ऑप्शन सी एच एन ओ थ्री, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है ऑप्शन ए सी यू, ऑप्शन बी ए जी, ऑप्शन सी ए एल, ऑप्शन डी एफ ई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए जी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है ऑप्शन ए एफ ई, ऑप्शन बी सी यू, ऑप्शन सी एन आई, ऑप्शन डी एस बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एस बी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में होगा। धन्यवाद।